आज का टॉपिक क्लॉजेस के बारे में है। जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्लॉजेस और स्पेशली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, तो आज इसको कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्लॉज होती क्या है। तो क्लॉजेस बेसिकली एक यूनिट है ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसे वर्ड्स हैं आपके पास, वर्ड से बड़ा यूनिट फ्रेज आती है, फ्रेज के बाद क्लॉज आती है और क्लॉज के बाद सेंटेंस आता है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस से कम लेवल का है, रैंक में कम होता है, क्योंकि हर क्लॉज तो एक सेंटेंस का पार्ट हो सकती है, लेकिन हर सेंटेंस एक क्लॉज नहीं हो सकता। अच्छा, क्लॉज जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, जिसके बारे में सारा सेंटेंस लिखा गया होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है सेंटेंस का उसको आप प्रेडिकेट कहते हो। एग्जांपल्स के ऊपर आ जाओ, द डॉग बार्क्स, ये एक सेंटेंस है आपके पास, लेकिन अगर आप इसको देखें तो द डॉग आपके पास क्या चीज है, सब्जेक्ट, और बार्क्स क्या है, वर्ब, दैट इज प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये एक ही सेंटेंस है और इसमें एक ही क्लॉज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग बार्क्स When the postman arrives। यहाँ पे एक सेंटेंस है लेकिन इसके अंदर दो क्लॉजेस हैं। पहली क्लॉज क्या है, द डॉग बार्क्स, और दूसरी क्लॉज कौन सी है, When the postman arrives। अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, अब्दुल्ला लाइक्स टू रीड बट ही प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन। ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉजेस हैं, और अगर आप इन क्लॉजेस को ध्यान से देखो तो अब्दुल्ला लाइक्स टू रीड इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस, बट ही प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। इसलिए ये दोनों क्लॉजेस क्या होंगी, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। नाउ अनदर एग्जांपल, आई कैंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। आई कैंट रिमेंबर तो एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट ये पूरा सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, इसको अपने कंप्लीशन के लिए कुछ और आगे चाहिए, इसलिए ये क्लॉज कैसी क्लॉज बनती है, डिपेंडेंट क्लॉज। एक और एग्जाम्पल ताकि फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए, व्हाइल द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। अगेन दो क्लॉजेस हैं, व्हाइल द कैट इज अवे, इसके बाद क्या है कि अगर आप ये सेकंड क्लॉज हटाते हो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए व्हाइल द कैट इज अवे डिपेंडेंट क्लॉज है और द माइस विल प्ले इंडिपेंडेंट। एक लास्ट देख लेते हैं, समटाइम्स ये स्ट्रक्चर भी आपके सामने आता है, डिपेंडेंट क्लॉज की एक टाइप है एडजेक्टिव क्लॉज, उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर आपको अक्सर देखने को मिलेगा। और होता क्या है कि एक ही क्लॉज को दूसरी क्लॉज के अंदर मिक्सअप कर दिया जाता है। जैसे फर्स्ट क्लॉज है, अ बॉय वन द लॉटरी, लेकिन इसके अंदर जो है एडजेक्टिव क्लॉज पूरी की पूरी डाली गई है, हु सब्जेक्ट है और वेंट टू माई स्कूल ये क्या है, प्रेडिकेट है उसका। तो ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता, और जो उसके बाहर है, बॉय वन द लॉटरी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब एक इजी मेथड है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपको आइडेंटिफाई करनी होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और इसमें स्टूडेंट्स नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक ईजी सा मेथड है जो कि हम अभी देखते हैं। पहली क्लू तो उसमें ये होगा कि अगर आपकी क्लॉज किसी कंजंक्शन के बगैर है। कंजंक्शन क्या होता है, एंड, बट, और, फॉर, बिकॉज, एज सुन एज वेल एज, ये सब चीजें जो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं आपस में, उनको हम क्या नाम देते हैं, कंजंक्शंस। तो अगर तो आपकी क्लॉज बगैर कंजंक्शन के है, वो आपके पास इंडिपेंडेंट है। और दूसरा तरीका ये है कि आपकी क्लॉज में कंजंक्शन तो लगी हुई है, लेकिन वो कंजंक्शन कौन सी है, कोऑर्डिनेट। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, उनको याद करने का आसान तरीका क्या है, फैन बॉयज, वेयर एफ स्टैंड्स फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एंड एस फॉर सो। तो आप बस ये याद कर लें कि अगर किसी भी क्लॉज के साथ फैन बॉयज में से एक भी कंजंक्शन आ रही है तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और अदर देन दैट जितनी भी क्लॉजेस हैं ये आपके पास सबऑर्डिनेट है या डिपेंडेंट। जी, तो पहली एग्जांपल है फॉर, आई डोंट ईट पीनट्स, फॉर आई एम एलर्जिक टू नट्स। दोनों क्लॉजेस आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि पहली आई डोंट ईट पीनट्स में आपके पास कोई कंजंक्शन नहीं आ रही, और जो सेकंड क्लॉज है फॉर आई एम एलर्जिक टू नट्स, ये आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सेकंड एग्जांपल है एंड के साथ, ठीक है, द गर्ल बॉट एन आइसक्रीम एंड अ लेमनेड। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड तो कंजंक्शन आ रही है, इसके साथ साथ मजीद क्लैरिफिकेशन ये करती चलूँ कि एंड अ लेमनेड, अगर आपको लग रहा है कि कंप्लीट क्लॉज नहीं है तब भी आप देखें कि इसका सब्जेक्ट भी क्या है, द गर्ल, तो वो एक अलग से क्लॉज है और इन दोनों का ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बनती हैं। थर्ड आपके पास जा रहा है नॉर के साथ, डैड वांटेड नीदर द रेड नॉर द येलो शर्ट। बट के साथ जॉन लाइक्स मूवीज बट नॉट स्केरी वंस। और के साथ शुड मम हैव द स्ट्रॉबेरी और द चॉकलेट आइसक्रीम। येट के साथ शी वाज स्केयर्ड येट गेव द स्पीच एनीवे। एंड लास्टली सो के साथ इट स्टार्टेड टू रेन सो आई पुट अप माय अम्ब्रेला। मीन्स ये सातों के सातों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कंजंक्शन आती है किसी क्लॉज के साथ, या अगर क्लॉज विदाउट अ कंजंक्शन है तो फिर वो आपके पास इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और अगर नहीं है तो फिर वो आपके पास डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। बस ये सिंपल सी चीज है और यही आज की वीडियो में बताना था।